सभी को प्रणाम। मैं दिल्ली से सिमरन सचदेवा आप सभी का सनातन संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। कुछ ही क्षणों में हम आज के सत्संग का प्रारंभ करेंगे। यह सत्संग केवल 45 मिनट का है। आप सभी से निवेदन है कि आप अंत तक जुड़े रहें। आप में से कुछ लोग गूगल मीट का पहली बार उपयोग कर रहे होंगे, इसलिए सत्संग में कुछ अड़चन आए तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। आपको स्क्रीन के राइट में 3 डॉट्स दिखेंगे, उन पर क्लिक करने पर आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप चैट भेज सकते हैं। आप सभी अपना नाम, जिला और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डालें। YouTube पर जुड़े जिज्ञासु भी चैट बॉक्स में अपना नाम, जिला और मोबाइल नंबर डालें। ऑनलाइन सत्संग में यदि आपको कुछ प्रश्न पूछना हो या आवाज़ के संदर्भ में कुछ अड़चन बतानी हो तो आप चैट बॉक्स का उपयोग करें। आइए सनातन संस्था द्वारा आयोजित इस सत्संग का हम प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से इस सत्संग में मुझे आज जो मार्गदर्शन मिलने वाला है उसे ठीक से समझ लेने की बुद्धि आप ही मुझे प्रदान करें और बताए गए सूत्रों अनुसार स्तुति करना मुझे संभव हो। यह सत्संग मुझे बुद्धि और चैतन्य के सर पर ग्रहण करना संभव हो, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। आज हम दो विषयों के बारे में जानकर लेंगे। पहला है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाने का शास्त्र और दूसरा है ब्रह्मध्वज खड़ा करने का महत्व। पहले विषय के बारे में हमें चंद्र प्रकाश ठाकुर जी बताएंगे और दूसरे विषय के बारे में हमें श्रीमती सुधा अरोड़ा जी बताएंगे। अंत के 10 मिनट शंका समाधान का सत्र होगा। उस समय आप सभी अपनी शंकाएं अथवा प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए भगवान श्री गणेश जी का श्लोक द्वारा आवाहन कर हम आगे बढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे बीच दिल्ली से चंद्र प्रकाश ठाकुर जी जुड़े हैं। वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी पिछले 11 वर्षों से सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं। उनका स्वयं का व्यवसाय है और वे सोशल मीडिया की सेवा करते हैं। अब मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण और प्रातपर गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी के चरणों में वंदन कर मैं अपना विषय शुरू करता हूँ। आइए अब हम गुड़ी पड़वा के विषय में जानते हैं। गुड़ी पड़वा अर्थात वर्ष आरंभ का दिन, अर्थात नववर्ष का दिन। इसे अलग अलग स्थानों पर कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि संवत्सर आरंभ, विक्रम संवत, वर्ष आरंभ, गुड़ी पड़वा इत्यादि और युगादि आदि। इसे मनाने के पीछे क्या कारण है और कैसे मनाना चाहिए वह हम आगे देखेंगे। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन और महान संस्कृति है। हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक कैसे व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य जन्म को कैसे सार्थक बनाना चाहिए, यह सब हमारे ऋषियों ने वेद उपनिषदों के माध्यम से हमें बताया है और हमारे अनेक साधु संतों ने हमें समय समय पर बताया है। उनका पालन करके अनेक लोगों ने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, अपने जीवन को आनंदमय बनाया है। आज विदेशी भी हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि वे भोगवादी पश्चिमी संस्कृति से त्रस्त हो चुके हैं और शाश्वत आनंद को ढूंढ रहे हैं।
और ये शाश्वत आनंद उन्हें कहाँ मिल रहा है? उन्हें हिंदू धर्म में मिल रहा है, हिंदू धर्म की शिक्षाओं से मिल रहा है, हिंदू धर्म का पालन करने से मिल रहा है। परंतु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हिंदू ही अपने धर्म का महत्व एवं श्रेष्ठता नहीं जान पा रहा है और पाश्चात्यों के अयोग्य और अधर्मी कृत्यों का अंधा अनुकरण कर रहा है। तभी तो आज हम 31 दिसंबर की रात को नववर्ष का स्वागत करते हैं या फिर 1 जनवरी को नववर्ष आरंभ दिन मनाते हैं। इस दिन क्या होता है? 31 दिसंबर की रात को रात में मांसाहार किया जाता है, मद्यपान होता है, अश्लील फिल्मों पर अश्लील तरीके से नाचा जाता है, अश्लील फिल्मों के गाने पर अश्लील तरीके से नाचा जाता है, पार्टी की जाती है, वेग से वाहन चलाए जाते हैं, युवतियों से छेड़छाड़ करना तो आम बात है, ऐसी अनेक कुप्रथाओं का वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप हमारी आज की युवा पीढ़ी विकृत और व्यसनाधीन हो रही है और इसका लाभ अनेक विदेशी और MNC कंपनियां भी ले रही है। अनेक मार्केटिंग ऑफर्स में फंसाकर, भोग विलासिता में फंसाकर उनको गहरी खाई में धकेल रहे हैं और टीवी पर तो इस दिन एक से बढ़कर एक अश्लील कार्यक्रम परोसने की होड़ लगी रहती है। पाश्चात्य सभ्यता के इस तथाकथित न्यू ईयर पर इतना कुछ अनिष्ट होता है, तब भी हैप्पी न्यू ईयर विश करने की होड़ लगी रहती है। 31 दिसंबर की रात से ही छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं देने में लगे रहते हैं और ऐसा करके अपने आप को धन्य मानते हैं। आज इस प्रकार से अशुभ पद्धति से तथा कथित नववर्ष मनाया जा रहा है। इसके विपरीत आज हम सही मायने में जो नववर्ष है अर्थात हिंदू नववर्ष है उसको तो भूल ही गए हैं। क्या 31 दिसंबर की रात या 1 जनवरी को नववर्ष मनाने के पीछे कुछ कारण है? क्या कोई ऐतिहासिक कारण है, आध्यात्मिक या वैज्ञानिक कारण है, या कोई प्राकृतिक बदलाव या ऋतु में परिवर्तन दिखाई देता है? नहीं ना, ऐसा तो कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं होता। तो फिर 31 दिसंबर की रात को हम नववर्ष क्यों मना रहे हैं? वही इसके विपरीत हिंदू नववर्ष मनाने के अनेक ऐतिहासिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक व वैज्ञानिक कारण हैं। तो आइए हम इन उदाहरणों में से कुछ उदाहरण देखते हैं पहले देखते हैं प्राकृतिक कारण। इस समय वसंत ऋतु का आगमन होता है, पतझड़ के बाद वृक्ष पल्वित हो जाते हैं, उत्साहवर्धक और आह्लादायक वातावरण होता है, ग्रहों की स्थिति में भी बदलाव होता है। ऐसा लगता है कि मानो संपूर्ण प्रकृति ही नववर्ष का स्वागत कर रही है। अब कुछ ऐतिहासिक कारण भी देखते हैं। इस दिन शकों ने हूणों को पराजित कर विजय प्राप्त की एवं भारत भूमि पर हुए आक्रमण को मिटा दिया था। इसी दिन चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांताओं से भारत भू का रक्षण किया था और इसी दिन से विक्रम संवत कालगणना भी प्रारंभ की थी। शालिवाहन राजा ने शत्रु पर विजय प्राप्त की और इसी दिन से शालिवाहन पंचांग प्रारंभ किया। अब कुछ पौराणिक कारण भी देखते हैं। इस दिन श्री राम जी ने बालिका वध किया था, राक्षसों का एवं रावण का वध कर इसी दिन भगवान श्री राम जी अयोध्या लौटे थे और इसी दिन महाराज युधिष्ठिर जी का भी राज्य अभिषेक हुआ था। अब हम चैत्र प्रतिपदा को अर्थात नववर्ष आरंभ मनाने का जो दिन है उसके पीछे के आध्यात्मिक कारण देखते हैं। यह दिन ब्रह्मांड की निर्मिति का दिन है। ब्रह्मदेव ने इसी दिन ब्रह्मांड की निर्मिति की, उनके नाम से ही ब्रह्मांड नाम प्रचलित हुआ। सतयुग में इसी दिन ब्रह्मांड में विद्यमान ब्रह्म तत्व पहली बार निर्गुण से निर्गुण सगुण स्तर पर आकर कार्यरत हुआ तथा पृथ्वी पर आया। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, तदुपरांत उसमें कुछ उत्पत्ति एवं परिवर्तन किए। इससे
यह सृष्टि और अधिक सुंदर और परिपूर्ण हो गई। इसलिए ब्रह्मदेव द्वारा निर्माण की गई इस सृष्टि पर गुड़ी अर्थात धर्म ध्वजा खड़ी कर यह दिन मनाया जाता है। चैत्र मासी जगत ब्रह्म ससर्ज प्रथमे अहनी, ऐसा ब्रह्म पुराण में कहा गया है। अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण चैत्र मास के प्रथम दिन किया है। इसी दिन से सतयुग का आरंभ हुआ। यहीं से हिंदू संस्कृति के अनुसार काल गणना भी आरंभ हुई। इसी कारण इस दिन वर्ष आरंभ मनाया जाता है। यह दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। गुड़ी अर्थात ध्वजा। पाड़वा शब्द में पाड़ का अर्थ होता है पूर्ण एवं वा का अर्थ है वृंदिगत करना, परिपूर्ण करना। इस प्रकार पाड़वा शब्द का अर्थ है परिपूर्णता। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे युगादि नाम से मनाया जाता है। इन आध्यात्मिक कारणों से सप्त लोकों की सात्विकता में वृद्धि होती है एवं पाताल से अनिशक्ति द्वारा होने वाले आक्रमणों की मात्रा भी कम होती है। सप्त पाताल अर्थात भूलोक, भूलोक, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। और सप्त पाताल अर्थात अतल, विमल, सुतल, रसातल, तलातल, मातल और पाताल। वर्ष आरंभ के दिन जो तरंगे प्रक्षेपित होती है उनका सप्त लोकों पर परिणाम होता है। इससे उन लोकों की सात्विकता में वृद्धि होती है। रजतम की मात्रा कम होने के कारण पाताल से अनिष्ट शक्तियों के अनिष्टकारी परिणाम कम होते हैं। वर्षारंभ के दिन सगुण ब्रह्मलोक से प्रजापति, ब्रह्मा एवं सरस्वती देवी की सूक्ष्मतम तरंगे प्रक्षेपित होती है। उनमें से 90% तरंगे इस ब्रह्मलोक की अधो दिशा में विद्यमान लोकों की ओर तथा 10% तरंगे ऊर्ध्व दिशा में जाती है। अधो दिशा में स्वर्गलोक, शिवलोक, नागलोक, भूलोक, भूलोक एवं सप्त पाताल। इन लोगों से प्रवाहित होते समय इन तरंगों का इन लोकों पर परिणाम होता है। इन सभी लोगों की शुद्धता 3% तक बढ़ जाती है और उनकी सात्विकता में भी 3% वृद्धि होती है। इस कारण सप्त पातालों में रजतम की मात्रा इस दिन 3% कम हो जाती है, जिससे पाताल से होने वाले अनिष्ट शक्तियों की आक्रमणों की मात्रा कम हो जाती है। वर्षारंभ के दिन अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्म तत्व भी सर्वाधिक प्रक्षेपित होता है। अन्य दिनों की तुलना में ब्रह्मदेव की ओर से सगुण निर्गुण ब्रह्म तत्व, ज्ञान तरंगे, चैतन्य एवं सत्वगुण 50% से भी अधिक मात्रा में प्रक्षेपित होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रजापति तरंगे सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आती है। इस दिन सत्वगुण अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी पर आता है। अतः यह दिन वर्ष के अन्य दिनों की तुलना में सर्वाधिक सात्विक होता है। अब देखते हैं कि जो प्रजापति तरंगे पृथ्वी पर आती है उससे क्या लाभ होता है। पृथ्वी पर भूमि की वनस्पति को अंकुरने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। तो जो बुद्धि होती है मानव की वह प्रगल्भ बनती है। कुओं तालाबों में नए झरने निकलते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन धर्म लोक से धर्म शक्ति की तरंगे पृथ्वी पर अधिक मात्रा में आती है। क्षमा कीजिए, पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर स्थित धर्म बिंदु के माध्यम से ग्रहण की जाती है ये तरंगे। तत्पश्चात आवश्यकता के अनुसार भूलोक के जीवों की दिशा में प्रक्षेपित की जाती है। इस दिन भूलोक के वातावरण में रज कणों का प्रभाव अधिक मात्रा में होता है। इस कारण पृथ्वी के जीवों का छात्र भाव भी जागृत रहता है। इस दिन वातावरण में अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव बहुत कम रहता है। इस कारण वातावरण अधिक चैतन्यमय लगता है। तो अभी हमने कुछ ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक कारण जान के लिए और यह समझा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही हिंदू नववर्ष मनाने हेतु
योग्य है, अर्थात नववर्ष का जो योग्य दिन है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही है। इकतीस दिसंबर की रात का और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाला स्लाइड दिखा सकते हैं। नमस्कार, टेक्निकल टीम से 31 दिसंबर और प्रतिपदा वाला चित्र दिखा सकते हैं क्या? वो चित्र हम बाद में देखते हैं। अब हम परम पूज्य डॉक्टर अठवले जी का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो संदेश है वह जानकर लेते हैं। उनका शब्दशः संदेश है, चैत्र प्रतिपदा यह युगादि तिथि है, युग और आदि, इन आदि शब्दों से संधि से, इन युग और आदि की शब्दों की जो संधि है उससे युगादि शब्द बनता है। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्मिति की थी। सृष्टि का प्रारंभ दिन अर्थात काल गणना का प्रथम दिन चैत्र प्रतिपदा है। तब भी आज भारत में 1 जनवरी सर्वत्र नववर्ष के आरंभ के रूप में मनाया जाता है। यह स्वतंत्र भारत का सांस्कृतिक पराभाव है। युगादि तिथि का अनादित्व ध्यान में रखकर तथा सांस्कृतिक पराभाव का इतिहास परिवर्तित करने के लिए चैत्र प्रतिपदा इस युगादि तिथि को नववर्ष के आरंभ के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए यह संवैधानिक दृष्टि से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना अनिवार्य है। भारत के पुरुषार्थी सम्राटों ने युगादि तिथि का महत्व समझकर इसी दिन से विक्रम संवत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ की हुई काल गणना शालीवाहन शक ईस्वी सन 78वें वर्ष पर शालीवाहन राजा द्वारा प्रारंभ की गई काल गणना युधिष्ठर संवत युधिष्ठर राजा द्वारा प्रारंभ की गई काल गणना आदि काल गणना आरंभ की। उनकी प्राकर्मी स्मृतियों का स्मरण करने का समय है ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। हिंदुओं, चैत्र प्रतिपदा इस युगादि तिथि को नववर्ष के प्रारंभ के रूप में मान्यता मिलने के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रयासों की पराकाष्ठा कीजिए और भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित कीजिए। तो ऐसा संदेश परम पूज्य डॉक्टर जयंत अठवले जी का है। अभी आप चित्र में ये जो स्लाइड देख रहे हैं, ये स्लाइड देखकर आपको क्या लगता है? एक चित्र में 31 दिसंबर की रात का घोर अंधकार है, वहीं दूसरी ओर आनंदमय सूर्योदय है। एक और पतझड़ का वातावरण है तो वही ओर वहीं दूसरी ओर वृक्षों पर नए पत्तियां लहला रही हैं और आनंदमय वातावरण है। एक और भोग विलासी होकर व्यक्ति अधोगति स्थिति में है तो वहीं दूसरी ओर धर्म पालन कर आनंदमय बन रहे हैं। तो इससे आपको हिंदू धर्म का जो श्रेष्ठता है, महत्व है, यह समझ में आ रहा होगा कि हमारे जितने भी व्रत त्योहार हैं उसके पीछे अनेक कारण हैं, आध्यात्मिक कारण हैं, पौराणिक कारण हैं। तो इस वजह से हमें यह ध्यान में आना चाहिए कि नववर्ष हमें इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाना है। आशा करता हूं कि आपको यह विषय ध्यान में आया होगा, हिंदू धर्म की महानता श्रेष्ठता ध्यान में आई होगी और परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर अठवले जी का संदेश जिससे भी हमें प्रेरणा मिली होगी। तो हम ये संकल्प लेंगे कि इस नववर्ष को हम आनंदमय बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रार्थना भी करेंगे। इस विषय से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न होंगे या शंका होगी तो कार्यक्रम के अंत में शंका समाधान होगा, तब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अब श्रीमती सुधा अरोड़ा जी से विनती करूंगा कि वह आगे का विषय लें। सुधा जी अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हैं, वे कालका पब्लिक स्कूल में अध्यापिका हैं और सनातन प्रभात के पिछले 2 वर्षों से वाचक हैं।
अब मैं उनसे विनती करता हूँ कि वह आगे का विषय लें। धन्यवाद चंदर जी। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन कर तथा गुरुदेव जी के चरणों में सादर नमन करके अब हम सत्संग के अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हिंदुओं का नवीन वर्ष अर्थात नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अर्थात गुड़ी पड़वा को आरंभ होता है। आज हम नव वर्ष आरंभ मनाने के कारण उस दिन की जाने वाली विधियां और उनका शास्त्र अर्थात गुड़ी पड़वा किस प्रकार मनाया जाए इनके विषय में समझ कर लेंगे। वर्ष 12 महीनों का हो ऐसा संसार को सर्वप्रथम वेदों ने बताया। वेदों में उल्लेख है वर्षारंभ का प्रारंभ दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। आजकल अनेक लोग 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं परंतु उसका कोई भी शास्त्रीय आधार नहीं है। ये हमें पाश्चात्य संस्कृति की देन है। इसके विपरीत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वर्ष आरंभ करने का अर्थात गुड़ी पड़वा मनाने का प्राकृतिक ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक कारण है। अब हम गुड़ी पड़वा मनाने के प्राकृतिक महत्व के बारे में समझ कर लेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिपदा के आसपास ही वसंत ऋतु आरंभ होती है। सभी ऋतु में कुसुमाकारी वसंत ऋतु मेरी विभूति है ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। इस समय जलवायु समशीतोष्ण और उत्साहवर्धक होती है। समशीतोष्ण का अर्थ है कि जलवायु में न अधिक गर्मी होती है और न सर्दी और चारों ओर वातावरण खिला खिला दिखाई देता है। शिशिर ऋतु में वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं और प्रतिपदा के आसपास वृक्षों में नए पत्ते आते हैं। वृक्ष हरे भरे दिखाई देते हैं। इस कारण वातावरण चैतन्यदायी होता है। इस प्रकार प्रकृति में भी नव आरंभ होता है और हमारा मन भी खिला खिला और प्रसन्न रहता है। अब हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ऐतिहासिक महत्व के बारे में जान कर लेंगे। प्रभु श्री राम ने इसी दिन बाली का वध किया जिसका उल्लेख हमें रामायण में मिलता है। रावण वध के उपरांत इसी दिन श्री राम भैया लक्ष्मण व पत्नी सीता सहित अयोध्या वापस लौटे। रावण वध के उपरांत श्री राम की विजय एवं आनंद के प्रतीक स्वरूप घर घर में ब्रह्म ध्वज फहराए गए। विजय के प्रतीक ऊंचे होते हैं इसीलिए महाराष्ट्र में आज भी गुड़ी ऊंची खड़ी की जाती है। जैसा कि हमें चंदर भैया ने भी कई ऐतिहासिक महत्वों के बारे में बताया, इसका एक विशेष महत्व है कि इसी दिन से नवरात्र का आरंभ होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में देवी के भिन्न भिन्न रूपों की उपासना की जाती है तथा रामनवमी के दिन नवरात्रि का समापन होता है। अब हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आध्यात्मिक महत्व के बारे में जान कर लेंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही नववर्ष आरंभ होने के कई आध्यात्मिक कारण भी हैं। इसी दिन ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण की अर्थात सतयुग आरंभ हुआ। इसीलिए इस दिन वर्ष आरंभ किया जाता है अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आरंभ होने वाले नवीन वर्ष का काल चक्र विश्व की उत्पत्ति से संबंधित है इसीलिए वह परिपूर्ण है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अक्षय तृतीया तथा दशहरा यह तीनों एक एक और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात दीपावली का अगला दिन प्रतिपदा आधा इस प्रकार 3.5 मुहूर्त है। 3.5 मुहूर्तों की विशेषता यह है कि अन्य दिनों में किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखना पड़ता है परंतु इस दिन मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। इन दिनों की कोई भी घटिका शुभ मुहूर्त ही होती है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह मुंडन गृह प्रवेश नए व्यवसाय का शुभारंभ इत्यादि हम इस दिन कर सकते हैं। इसके लिए हमें पंचांग या मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
शुभ दिन, शुभ कार्य करने से हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर की जाने वाली धार्मिक कृतियों के बारे में अब हम जान कर लेंगे। इस दिन अभ्यंग स्नान करें। अभ्यंग स्नान करने की भी विशेष विधि है। इसमें हमें सबसे पहले अपने शरीर पर तेल लगाना चाहिए और फिर उबटन लगाना चाहिए। उसके बाद हमें गर्म जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार के स्नान से हमारे तन की पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाती है। तत्पश्चात आम्र पल्लों का बंधनवार या तोरण बनाकर लाल पुष्पों के साथ प्रत्येक द्वार पर फूलों सहित बांधे। तोरण बनाने के लिए हम एक आम का पत्ता व एक गेंदे का फूल भी ले सकते हैं। आम के पत्तों में विष्णु तत्व मौजूद होते हैं और गेंदे के फूल में दैवीय तत्व। इसे बांधने से हमारे घर का वातावरण पवित्र होता है। नित्य इसके बाद हमें नित्य की देव पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय विजय का प्रतीक है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय के समय शास्त्र शुद्ध ब्रह्मध्वज फहराएं। इस दिन पंचांग श्रवण और दान धर्म भी किया जाता है। धर्म के ज्ञाता के मुख से जब हम पंचांग सुनते हैं तो हमें चैतन्य की प्राप्ति होती है और धर्म दान का तो विशेष महत्व है, जिसका फल हमें प्राप्त होता है। ब्रह्मध्वज स्थापित करने के लिए लगने वाली सामग्री के बारे में अब हम जान कर लेंगे। ब्रह्मध्वज स्थापित करने के लिए बांस, शक्कर के पदक अथवा बताशे की माला अथवा गांठें, हरे पीले केसरी रंग के रेशमी वस्त्र या जरी वाले वस्त्र, आम के पत्तों की टहनियां, नीम के पत्ते, ब्रह्मध्वज खड़ी करने के लिए पाट जिसे हम पीढ़ा या पटरा भी कहते हैं, तांबे का कलश और सदैव का पूजा साहित्य लगता है। सदैव का पूजा साहित्य अर्थात हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल व प्रसाद जिसे हम नित्य पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मध्वज कैसे स्थापित करें इसके बारे में अब हम समझ कर लेंगे। बांस को गीले कपड़े से स्वच्छ पोंछ ले। बांस के सिरे पर रेशमी वस्त्र की चुन्नटे बांधकर उसे बांधे। जिस प्रकार महिलाएं साड़ी की चुन्नटे बांधती हैं, उसी प्रकार हमें चुन्नटे बनाकर उसे बांधना चाहिए। उस पर नीम के पत्ते और आम के पत्तों की टहनी बांधे। तदुपरांत शक्कर के पदक की माला बांधे अर्थात बताशे की माला बांधे। उस पर लाल फूलों का हार बांधे। तांबे के कलश पर उंगली से कुमकुम लगाकर उस कलश को बांस के सिरे पर रखें। इस प्रकार गुड़ी सजाने के पश्चात उसे छोटे से पाट पर खड़ी करें। इस गुड़ी की ब्रह्मध्वजाय नमः कहकर संकल्प पूर्वक पूजा करें। गुड़ी को अनुक्रम से हल्दी, कुमकुम, अक्षत जिसे अखंड चावल भी कहा जाता है और फूल चढ़ाएं। फिर धूप दिखाएं और दीप से आरती उतारें। गुड़ी खड़ी करते समय हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। उस समय की जाने वाली प्रार्थना का अब हम अभ्यास करेंगे। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु, इस गुड़ी के माध्यम से वातावरण की, प्रजापति, सूर्य और सात्विक तरंगें ग्रहण की जाने दें। उससे मिलने वाली शक्ति का चैतन्य निरंतर टिके रहने दें। मुझे मिलने वाली शक्ति का उपयोग मुझसे साधना के लिए की जाने दे। इस प्रार्थना को आप लिखकर ले सकते हैं ताकि पूजा के समय आप प्रार्थना सही प्रकार से कर सकें। पूजा होने पर फिर से हम प्रार्थना करेंगे कि हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु, इस गुड़ी के माध्यम से वातावरण की प्रजापति, सूर्य और सात्विक तरंगें ग्रहण की जाने दें। इससे मिलने वाली शक्ति का चैतन्य निरंतर टिके रहने दे। मुझे मिलने वाली शक्ति का उपयोग मेरी साधना के लिए होने दे। आप स्क्रीन पर भी स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको प्रार्थना याद करने में मदद मिले। गुड़ी पर कलश को हमेशा औंधा या उल्टा रखा जाता है।
इसके पीछे भी एक शास्त्र है। उल्टा रखा कलश एक प्रकार से ईश्वरीय तरंगे ग्रहण करने वाले एंटेना के समान कार्य करता है। गुड़ी पर रखने के लिए कुछ लोग स्टील का लोटा रखते हैं, परंतु अन्य किसी भी धातु की तुलना में तांबे धातु में ईश्वरीय स्पंदन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होने से पूजा विधि में अधिकतर तांबे के बर्तन उपयोग किए जाते हैं। यह लोटा उल्टा रखने के पीछे का शास्त्र है। तांबे का मुंह जमीन की ओर होने से तांबे की कलश की रिक्ति अर्थात खाली स्थान से जो लहरें बाहर निकलती है उससे लोटे में नीम के पत्ते और रेशमी वस्त्र सात्विक तरंगों से भारित होते हैं अर्थात भर जाते हैं। इन सात्विक तरंगों के कारण वहां की भूमि भी सात्विक होती है। अब हम गुड़ी उतारते समय की जाने वाली प्रार्थना के बारे में समझ कर लेंगे। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु, आज दिन भर में इस गुड़ी में जो शक्ति समाई होगी वह मुझे मिलने दे। वह शक्ति राष्ट्र और धर्म के कार्य के लिए उपयोग होने दे, या आपके चरणों में प्रार्थना है। गुड़ी कब उतारें इसके बारे में अब हम समझ कर लेंगे। सूर्यास्त के उपरांत तुरंत ही गुड़ी नीचे उतारें। जिस भाव से गुड़ी खड़ी की जाती है उसी भाव से उसे नीचे उतारें। गुड़ी नीचे उतारते समय गुड़ी को हल्दी कुमकुम लगाएं, तदुपरांत गुड़ी को नमस्कार करें और गुड़ का अथवा कोई भी मीठे पदार्थ का नैवेद्य या भोग लगाएं। तदुपरांत सभी प्रार्थना करें, हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु, आज दिन भर में इस गुड़ी में जो शक्ति समाई होगी वह मुझे मिलने दीजिए। वह शक्ति राष्ट्र और धर्म के कार्य के लिए उपयोग होने दीजिए, ये आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। गुड़ी उतारने के उपरांत गुड़ी को लगाई नीम की टहनी लाल फूलों के हार का विसर्जन कर सकते हैं। संवत्स प्रारंभ की कुछ कृतियों के शास्त्र के बारे में अब हम समझ कर लेंगे। जैसा कि आपको स्लाइड में अभी दिखाया जाएगा कि गुड़ी पड़वा के दिन भूमि जोतने की भी के पीछे भी शास्त्र है। गुड़ी पड़वा को भूमि की जुताई होती है। इसके पीछे का शास्त्र यह है कि गुड़ी पड़वा को प्रजापति तरंगे पृथ्वी पर अधिक मात्रा में आती है। जब भूमि की जुताई होती है तब मिट्टी ऊपर नीचे होती है। इससे मिट्टी के कणों पर प्रजापति तरंगों का संस्कार होकर बीज के अंकुरित होने की भूमि की क्षमता में अनेक गुना वृद्धि होती है और हमें अच्छे फसल की प्राप्ति होती है जो हमारे तन और मन के सुव्यवस्थित विकास के लिए लाभदायक होती है। यह जानकारी सनातन संस्था द्वारा प्रकाशित त्योहार मनाने की उचित पद्धति एवं आध्यात्मिक शास्त्र नामक ग्रंथ से ली गई है। www.sanatanshop.com पर ऑनलाइन विक्रय हेतु यह शास्त्र उपलब्ध है। अब हम शंका समाधान के सत्र की ओर बढ़ेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमन करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको नमस्कार। अभी हमने जो विषय सुना उसके विषय में आपको कुछ प्रश्न है तो वे आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं चंद्र प्रकाश ठाकुर जी से निवेदन करती हूँ कि वे शंका समाधान के सत्र लें। सभी को नमस्कार। अभी हमने नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को क्यों मनाए इसके पीछे अनेक कारण जान के लिए, और प्रत्यक्ष में नववर्ष कैसे मनाए जिसे हम गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं उसकी जो संपूर्ण विधि है यह भी जान कर ली। इस संबंध में आप में से किसी को कोई भी शंका है या प्रश्न है तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
नमस्कार, मैं रेखा दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे पूछना था कि जो गुड़ी पुड़वा पे हम बांस का प्रयोग करते हैं, क्या उसको दोबारा यूज कर सकते हैं? नमस्कार। जी, आपका प्रश्न ध्यान में आया। जी, जो गुड़ी पड़वा पे हम बांस का उपयोग करते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं अगली बार भी। उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि वो अच्छे से संभाल कर रखा हो और उपयोग करने से पूर्व उसे अच्छे से स्वच्छ किया गया हो, पानी से धोकर सुखाकर कपड़े से साफ करके दोबारा उपयोग में हम उस बांस के डंडे का उपयोग कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। अन्यों का भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से आपके मन में अगर कोई भी शंका है और प्रश्न है, तो आप अगर उसका शंका समाधान करेंगे तो उस कृति को करने में अधिक आनंद प्राप्त होगा। तो सभी से एक बार मैं दोबारा विनती करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है या शंका है तो अवश्य पूछे। नमस्ते। हाँ जी, बताइए। हाँ, प्रश्न ये है हमारा जी, हम जैसे 1 जनवरी मनाते हैं तो उसी तरह हम ये भी 1 जनवरी को भी मनाएंगे और चैत्र प्रतिपद की को भी मनाएंगे, ये दोनों मनाएंगे तो ये भी चलेगा क्या? आपने पूछा कि हम 1 जनवरी को भी नववर्ष मनाएं और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भी मनाएं। इसमें कैसा है ना, जैसे अभी हमने अनेक कारणों से देखा, अनेक कारण देखे हमने, आध्यात्मिक कारण भी देखे और पौराणिक कारण भी देखे, ऐतिहासिक कारण भी देखे। साथ ही साथ हमने ये भी जान कर लिया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो ईश्वरीय तत्व है कितनी अधिक मात्रा में आता है। तो जब हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नववर्ष मनाएंगे तो हमें उस तत्व का, ईश्वरीय तत्व का लाभ होगा। वहीं दूसरी ओर आपने, हमने सभी ने देखा कि 31 दिसंबर को ऐसा कुछ नहीं होता है, तो जब हम उस दिन वो चीज मनाएंगे तो उस दिन रजतम जो तत्व होता है वातावरण में वो अधिक कार्यरत रहता है, तो उसका हमें लाभ तो नहीं होगा, उसका हमें हानि ही होने वाली है। तो ये फिर हमने ही देखना है कि हमें ईश्वरीय तत्व का लाभ लेना है या फिर हमें रजतम स्पंदन से जो होने वाले हानिकारक प्रभाव है वो ग्रहण करने हैं। ये आपने अभी, हमने चित्र स्क्रीन पर दिखाया था उसके माध्यम से भी देखा है, समझ कर लिया कि दोनों में कितना अंतर है। एक ओर तो अंधकार है और दूसरी ओर सूर्य का उदय है, मतलब वातावरण कितना चैतन्यपूर्ण है। तो इसे ध्यान में रखकर हम देख सकते हैं कि हमें क्यों नववर्ष प्रतिपदा को ही मनाना है। जी 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 भैया, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अन्य भी किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी यदि किसी के प्रश्न नहीं है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं सिमरन सचदेवा दीदी जी से विनती करूंगा कि वे कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर जाएं।
जी, आज हमने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के विषय में जानकर लिया। इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अभी आगे के सत्र की ओर बढ़ते हैं। आप में से जो घर या मंदिर में पत्र लगाने की सेवा करना चाहते हैं, वह चैट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यदि आप ब्रह्म ध्वज खड़ा करना चाहते हैं, तो आप तब भी अपने नाम और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सनातन संस्था की तरफ से पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित की गई है। ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, नेपाली आदि अनेक भाषाओं में है। इसमें अनेक लेख प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे धर्म शिक्षा पर, धार्मिक उत्सवों और त्योहारों के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, आध्यात्मिक संशोधन के बारे में। इन सभी के बारे में जानकारी दी जाती है। बाल संस्कार के ऊपर भी इसमें बताया जाता है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के विषय में भी जानकारी दी जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी तथा सदगुरु संतों का मार्गदर्शन भी मिलता है और अनेक सुविचार भी प्राप्त होते हैं। हमें आज के आपातकाल में किस तरह साधना का सहारा लेकर आगे बढ़ना है, ये पाक्षिक समझाते हैं, और ये पाक्षिक हर 15 दिन के बाद प्राप्त होते हैं। इनकी वार्षिक सदस्यता 180 है। कृपया आप सब इसके वाचक बनकर अवश्य लाभ उठाएं। कोरोना काल में आध्यात्मिक बल बढ़ाने हेतु सनातन संस्था ने कोरोना मंत्र बताया है। ये मंत्र आपको चैतन्य वाणी इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। साथ ही अन्य देवी देवताओं के मंत्र और जब भी इस ऐप पर उपलब्ध है, यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। कृपया आप सब इस ऐप को डाउनलोड कर अवश्य लाभ लें। कोरोना काल में प्रतिरोधक क्षमता और मनोबल बढ़े, धर्म अध्यात्म सभी तक पहुँचे, इसलिए सनातन संस्था के द्वारा 4 कार्यक्रमों का आयोजन YouTube के द्वारा किया जा रहा है। प्रतिदिन सुबह 10:30 से नाम जप सत्संग का कार्यक्रम होता है। कलयुग में नाम स्मरण ही हमारा आधार है, ऐसा संत और शास्त्र बताते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण उसी दिन 4 बजे होता है। दोपहर 2:30 बजे भाव सत्संग का आयोजन होता है। जीवन में अलग अलग कृतियां करते समय हमें तनाव आता है। ये कृतियां अगर हम भाव से जोड़ेंगे तो ये तनाव नहीं आएगा। शनिवार और रविवार शाम 5 बजे से बालकों को सुसंस्कार मिले, इस हेतु बाल संस्कार का कार्यक्रम होता है। बच्चों को सरलता से संस्कार की जानकारी मिले, इस दृष्टि से कार्यक्रम है। शाम 7 बजे धर्म, अध्यात्म, गुरु, शिष्य, पितृदोष आदि के विषयों से जुड़े प्रश्न और उनका समाधान प्राप्त करने के लिए धर्म संवाद का कार्यक्रम होता है। इसका पुनः प्रसारण अगले दिन 1 बजे होता है। व्हाट्सएप पोस्ट के द्वारा आपको इन सत्संग की जानकारी मिलती ही होगी। आपके परिजन, मित्र, रिश्तेदार सभी को इस सत्संग का लाभ हो, इसके लिए आप उनको भी ऑनलाइन सत्संग की पोस्ट अवश्य फॉरवर्ड करें। सनातन संस्था की ओर से ज्ञान शक्ति प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। सनातन संस्था द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय चैतन्य साथ ही आनंद एवं शांति की अनुभूति देने वाली ये साहित्य है। सनातन के ग्रंथों के समाज के प्रत्येक जिज्ञासु और सभी जीवों तक पहुंचकर उन्हें भी इस ज्ञान शक्ति का लाभ मिले, यह इस अभियान का उद्देश्य है। इस अभियान में हम भी सहभागी हो सकते हैं। हम ये ग्रंथ खरीद सकते हैं और अपने परिचित, रिश्तेदार एवं मित्रों को भेंट में दे सकते हैं। ये हमारी साधना ही है। यह ग्रंथ sanatanshop.com इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप सभी ने बहुत अच्छा सहभाग लिया। आप सभी का धन्यवाद। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आज का यह सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ है। इसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और यहीं रुकेंगे। आज का यह सत्संग यहीं समाप्त होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। सभी को नमस्कार।
जी नमस्कार।